नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैतन्य और स्वागत है आप सभी का टेक्निकल चैतन्य में। दोस्तों, मेरी फाइनली बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुकी है, तो मैं अपनी अपने चैनल पे एक्टिवली वर्क कर सकता हूँ। आज के लिए #deletefacebook का मूवमेंट चल रहा है, तो इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। तो भलेडी हमारे साथ हो दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन भी ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिला करेगी। फेसबुक पे करीब से करीब 2.3 बिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स है, उसमें से मैं भी एक यूज़र हूँ। पहले फेसबुक पे क्या होता था कि हम किसी भी पोस्ट पर लाइक कर सकते थे, पर अभी क्या हुआ है कि हम किसी भी पोस्ट पर अपने इमोशंस दिखा सकते हैं, जैसे कि हैप्पी, एक्साइटेड, लो, एंग्री वगैरह वगैरह। ये क्या कर रहा है फेसबुक, आपके ही इमोशंस रजिस्टर कर रहा है वो, और जितना आप उस पर इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना फेसबुक आपको अच्छी तरह से जान पाएगा। जितना आप उस पर इंटरेस्ट दिखाएंगे उतनी अच्छी तरह से आपका ह्यूमन बिहेवियर चेक करेगा, डिस्कवर करेगा। और ये डाटा, आप पर्सनल डाटा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को बेचा जाता है, वो चाहे नेशनल लेवल की हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की हो। इससे हमारा पर्सनल डाटा और कितने सारे लोगों का पर्सनल डाटा सुरक्षित नहीं है फेसबुक की वजह से। भी हमने कहा कि फेसबुक डिलीट कर दो भाई, पर कोई फेसबुक डिलीट नहीं करेगा, बहुत डर जाते हैं फेसबुक डिलीट करने से। जितना हमने पढ़ाई की और उस जितनी हमने नॉलेज अपने दिमाग में स्टोर की वो भूल जाएंगे, उससे कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर फेसबुक डिलीट करने से बहुत लोग डर जाते हैं। मार्क ज़करबर्ग ने खुद कहा है कि मैंने आपको बेचकर पैसे कमाए। जितना आप फेसबुक पे इन्वॉल्व हो गए उतनी अच्छी तरह से आपको पहचान पाएगा फेसबुक, और जितनी अच्छी तरह से आपको पहचान पाएगा उतनी अच्छी तरह से वो आपको फूल करेगा, और या अब फेसबुक आपको ही मैनिपुलेट करेगा। क्योंकि ये नहीं कहता कि डायरेक्ट फेसबुक ही डिलीट कर दो, फेसबुक का कम से कम इस्तेमाल करें, किसी भी पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज पर अपने इमोशंस दर्ज ना करें या फिर कमेंट्स भी दर्ज ना करें। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि एक रिसर्च में पाया गया है कि फेसबुक आपको अनहैप्पी करता है। फेसबुक पे आप सोशल एंगेजिंग और कंपैरिजन में बिजी रहते हैं, सोशल एंगेजिंग ऑनलाइन ऑफलाइन भी नहीं। इस दुनिया में हर किसी के पास अपने अपने दुख है, पर अपने दुख कोई फेसबुक पे नहीं बताएगा, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएगा। और हम लोग उस पोस्ट को देखते हैं और सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, भगवान ने सिर्फ मुझे दुखी दिया है, बाकी सब लोगों को सुख दिया है, ऐसा हम सोचते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसी रियलिटी नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, जेलसी लेवल बढ़ता है, और इसका नुकसान सिर्फ हमें ही भोगना पड़ता है। फेसबुक डिलीट करने की सबसे बड़ी बात कि ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल की बैटरी दुगना हो जाएगी। कई सारे लोग फेसबुक पे 2-4 घंटे बिता देते हैं, उतना ही टाइम आप किसी अच्छी चीज़ पे दीजिए जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, आपको बेनिफिट हो। तो फेसबुक डिलीट करने से आप किसी अच्छे चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इस पर इन्वॉल्व हो जाइए। अभी ये आपके हाथ में कि फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करें। कैलिफोर्निया में जिसने ये रूल्स फॉलो नहीं किए उसके आगे लॉ निकल चुके हैं, और इंडिया में तो अभी फेसबुक चल रहा है। तो अभी ये आपके हाथ में कि फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, इससे आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, आप अपने व्यूज भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन भी ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहला मिला करेगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।